हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बी बायोलॉजिकल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही ज़्यादा ड्रेडफुल डिजीज़ की। ऐसी दो बीमारियां जिनके बारे में लोग बात करना तक पसंद नहीं करते और वो काफ़ी जानलेवा होती हैं। तो उनमें आपके सबसे पहले जो आती है वो है एड्स। और दोस्तों, एड्स बीमारी एक ऐसी है जिसको लेके बहुत सारे मिथ हैं, सोसाइटी इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करती, इवन बच्चों को अवेयर नहीं करती। तो फिर आपके जो एडल्ट स्टूडेंट्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं यंग एज में जो एंटर करते हैं, जो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे गलत काम करते हैं जिनसे कि वो बाद में पछताते हैं। तो इसका सबसे बड़ा इलाज है अवेयरनेस। अगर आप चाहते हो आपके बच्चे, आपके परिवार वाले बीमार ना हों, तो आप उनको अवेयर करो। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर बात नहीं कर सकते। अगर आप बात करना चाहोगे तो आप अच्छे तरीके से, अच्छे शब्दों की हेल्प से बात कर सकते हो, नहीं तो आप काउंसलर की हेल्प ले सकते हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एड्स के बारे में। जैसा कि आपको नाम में दिखाया जा रहा है, AIDS, ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब है इम्यूनो डेफिशिएंसी एंड देन सिंड्रोम। देखो, एक्चुअल में ये कोई ऐसे नहीं कि भैया जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ये ऐसी कोई नहीं है जिसके अंदर कोई मतलब मलेरिया है भाई, पैरासाइट घुस गया, टाइफाइड में कोई इन्फेक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिंड्रोम की, एक ऐसी अवस्था की बात कर रहे हैं बॉडी की जिसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है। किस चीज़ की? इम्यूनिटी की। इसको हम उल्टा पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा भाई। ऐसा सिंड्रोम जिसके अंदर कमी आ गई है बॉडी की बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी में। क्यों आई? क्योंकि उसने उसको एक्वायर कर लिया कहीं और से, कि बॉडी ने कुछ ऐसा एक्वायर कर लिया, अब उसकी बॉडी बीमारी से नहीं लड़ सकती। बॉडी बीमार नहीं है, बस बॉडी इतनी कमजोर हो गई कि वो बीमारी से लड़ नहीं सकती। तो एड्स पेशेंट एड्स से नहीं मरता, वो मरता है और बीमारियों से जो उसकी बॉडी के अंदर एंटर करती जाती हैं और लगातार उसको कमजोर बनाती हैं। दिस मीन्स डेफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। इसका मतलब होता है बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम की कमी हो जाना। एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, कब आती है? जब कोई इंसान इसको अपने लाइफ टाइम में अचीव करता है। एन इंडिविजुअल इंडिकेटिंग दैट इट इज नॉट ए कॉन्जेंशियल डिजीज, जिसका मतलब है ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ऐसे भी कहीं से भी हो जाती है। मतलब जब बीमारी होती है तो उस टाइम पे इंसान होश में होता है, उसको पता होता है कि वो क्या एक्ट परफॉर्म कर रहा है और क्या उनके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। सिंड्रोम मीन्स ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, काफी सारे सिम्टम्स। एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981, 1981 में सबसे पहले एड्स का पेशेंट मिला था। एंड इन द लास्ट 25 ईयर और सो, पिछले लगभग 25 साल या उससे कुछ ज्यादा टाइम में, इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन। पिछले 25 साल में लगभग 25 लाख लोगों को, तो एवरेज लगा लो लगभग 1-2 लाख आदमी हर साल मर रहे हैं सिर्फ एड्स से। इतना ही रेशियो है एक्सीडेंट का, रोड एक्सीडेंट अभी तो नहीं मर रहे हैं। दोनों में अनअवेयरनेस, दोनों में लोग ऐसे ही भाग लेते हैं मुंह उठा के, ठीक है। एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब एड्स किसकी वजह से होती है? वो है आपका इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन के अंदर जो काम करता है उसको बोलते हैं HIV, ए मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड द रेट्रोवायरस। जो किस फैमिली का मेंबर है? रेट्रोवायरस फैमिली का मेंबर है। इनके अंदर आपका फ्री RNA होता है जो आपकी बॉडी के अंदर जाके DNA के साथ जुड़ जाता है और अपनी पसंद की सेल्स बनाता है, मतलब कि वायरस सेल्स बनाता है, विच हैव एन एनवेलप एनक्लोजिंग द RNA जीनोम। तो रेट्रोवायरस के अंदर क्या होता है? एनवेलप प्रोटीन से बना हुआ और बस एक RNA। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर बाय, देखो बात करें कि हम कैसे इन्फेक्शन फैलता है। सबसे पहला है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। और दोस्तों, ये एक ऐसा रीजन है जिसके आते ही लोग इसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी ये फैलता है, मतलब कि अगर किसी भी इंसान को एड्स है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत काम करता था। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, जो लोग फ्रिक्वेंटली ब्लड चढ़वाते हैं बॉडी में, डोनेट करते हैं, या किसी को कोई और मेडिकल इश्यू होता है जहाँ पे ब्लड की सैंपलिंग होती है, ट्रांसफ्यूजन होता है, वहाँ पे चांसेस हैं उसके इन्फेक्ट होने के। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर, जो आपके नसों में जो ड्रग लेते हैं ना, इंजेक्शन लेते, जो ड्रग्स लेते हैं नसों में सीधा, वो एक ही इंजेक्शन से 10-10, 12-12 लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है उनके ब्लड आपस में ट्रांसफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है।
फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, और एक बच्चे में उसकी माँ से अगर माँ है एड्स की पेशेंट। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क, अब बात करेंगे, देखो ये थे आपके कुछ मेथड्स। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क इन गेटिंग द इन्फेक्शन इंक्लूड, अब वो लोग जिनको ज्यादा चांसेस हैं बीमार होने के, वो हैं इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, वो पर्सन जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं उनके अंदर ज्यादा चांस है बीमार होने के। ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, और हर वो इंसान जो नशा करता है इंजेक्शंस की हेल्प से। इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हर वो इंसान इसके खतरे में है जिसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता रहता है। एंड द चाइल्ड बोर्न टू एन एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, और वो बच्चा जो एक एचआईवी इन्फेक्टेड माँ से जन्म ले रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, डू यू नो व्हेन पीपल रिपीट ब्लड सर्विस को, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट एचआईवी एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मियर टच और फिजिकल कॉन्टेक्ट, अगर आप किसी के साथ खाते पीते हो, बैठते हो, खेलते हो, उससे हक करते हो, हाथ मिलाते हो, कभी भी उससे बीमारी नहीं फैलती, ना झूठा खाने से ज़्यादा फैलती है, कुछ चांसेस हैं लेकिन बहुत कम। इट्स स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूड, ये फैलती है बॉडी फ्लूड से। इट इज हैंस इम्पेरेटिव फॉर द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेलबींग, तो इसमें क्या होता है, जो इंसान फिजिकल है और फिजियोलॉजिकल वो बिल्कुल ठीक रहता है। That HIV AIDS infected person are not isolated from the family society. तो ऐसे patients को family या society से बाहर नहीं निकालना चाहिए, जैसा कि हमारी society सबसे पहला काम करती है। There is always a time lag between the infection and the appearance of symptoms. एक काफ़ी लंबा time होता है symptoms होने का, मतलब AIDS होने से लेकर उसके symptom आने तक, वो हो सकता है आपका कुछ महीनों से कुछ सालों तक, usually 5 से 10 साल तक का time इसमें लग जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी टेक्निक्स वगैरह जो इसको हमें पहचान कराने में हेल्प करेंगी या इसको ठीक कराने में कुछ हद तक जो कारगर हैं वो चीज़ें। आफ्टर गेटिंग इन टू द बॉडी ऑफ ए पर्सन, अब बात करते हैं वायरस की, अगर बॉडी के अंदर घुस जाता है बीमार इंसान हो जाता है, द वायरस एंटर इन टू मैक्रोफेजेस वेयर आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट। देखो दोस्तों क्या होता है एक्चुअल में, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई आपका मैक्रोफेज है, हम बात करते हैं किसी भी सेल की, या आपकी मैक्रोफेज है और वायरस पार्टिकल का जो आपका आरएनए है वो इसके अंदर पहले घुसेगा, इसके अंदर घुसने के बाद वो इसका जो डीएनए होगा उसके साथ जाकर इनकॉर्पोरेट करेगा और फिर बाद में इस मैक्रोफेज को हाईजैक कर लेगा और फिर क्या करेगा, इससे और ज़्यादा वायरस पार्टिकल की फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से क्या होता है एक्चुअल में, जो मैक्रोफेजेस वगैरह की हेल्प से आप अपने आप को बचा पाते हो एंटीबॉडीज बना के, ये उस एंटीबॉडी को बनवाने की मशीन को ही हाईजैक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करता है वो मैक्रोफेज वेयर आरएनए जीनोम रेप्लिकेट द हैव द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और क्या करता है फ्रॉम वेयर डीएनए विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखो बात कर रहे हैं यहाँ पे हम रेप्लिकेशन की, जो रेप्लिकेशन होती है वो होती है आपकी डीएनए से, डीएनए की जो आपकी कॉपी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है ये आरएनए से भाई साहब डीएनए बनाएगा। देखो नॉर्मली होता है आपका काम ट्रांसक्रिप्शन से, ठीक है, ये यूज करेगा वहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का इस्तेमाल करता है, मतलब के नॉर्मली बनता है आपका डीएनए से आरएनए, यहाँ पे भाई साहब उल्टा काम करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, उल्टी ट्रांसक्रिप्शन होगा यहाँ पे इस्तेमाल एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो आरएनए से डीएनए बनाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर डीएनए है ना कि आरएनए जो वर्किंग है। द वायरल डीएनए गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल, वो आपके होस्ट सेल के अंदर आ जाएगा एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल, और फिर इन्फेक्टेड सेल को ऑर्डर करेगा कि वो और ज्यादा वायरस पार्टिकल को प्रोड्यूस करे। द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे एक्ट लाइक एच आई वी फैक्ट्री। अब मैक्रोफेज बना रहा है वायरस पार्टिकल और बिहेव कर रहा है एच आई वी फैक्ट्री की तरह। साइमल्टेनियसली एच आई वी एंटर इन टू हेल्पर टी सेल, फिर घुस जाएगा वो हेल्पर टी सेल्स में जो कि एंटीबॉडी बनाने के लिए बी सेल को कमांड करती हैं। ठीक है, और ज्यादा वायरस प्रोड्यूस करेगा फिर ये। द प्रोजेनी वायरस रिलीज इन द ब्लड अटैक द अदर हेल्पर टी सेल, फिर जो हेल्पर टी सेल बीमार थी अब वो और ज्यादा हेल्पर टी सेल को बीमार करेंगे नए नए वायरस बना के। दिस इज रिपीटेड लीडिंग
टू ए प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर लिम्फोसाइट। क्या होगा इससे, प्रोग्रेसिवली हेल्पर टी आपकी बॉडी की कम हो जाएंगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर फ्रॉम बाउट्स ऑफ फियर, पेशेंट को बार बार बुखार हो सकता है, डायरिया हो जाएगा और उसका होगा वेट लॉस। ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच एज दोज ड्यू टू बैक्टीरिया एस्पेशली माइकोबैक्टीरियम वायरस फंगस इवन पैरासाइट टॉक्सोप्लाज्मा। ये बोला है कि पेशेंट ऐसे ऐसे सिम्टम से बीमार होगा, ऐसी ऐसी बीमारियां उसको होंगी जो कि नॉर्मल कंडीशन में कभी उसकी बॉडी को होने वाली नहीं थी। द पेशेंट बिकम सो इम्यून डिफिशियंट, पेशेंट इतना कमजोर हो जाएगा दैट ही और शी अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ अगेंस्ट द इन्फेक्शन, वो अपने आप को हल्के फुल्के इन्फेक्शन से बचा नहीं पाएगा। ए वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है। यहाँ बात कर रहे हैं हम एक ऐसी टेक्निक की जो पता लगाएगी किसी बॉडी के अंदर एड्स के सिम्टम्स हैं या नहीं, क्योंकि हमने कहा नॉर्मली तो उसको 5 से 10 साल लग जाएंगे सिम्टम्स को डेवलप होके एक्सप्रेस होने में, और जब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। तो एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट ऐसे ये टेक्निक है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। एंटी रेट्रोवायरल मतलब कि ऐसी ड्रग्स जो रेट्रोवायरस के ग्रुप को डिफेंड करती हैं, वो कुछ हद तक हेल्प कर पाती हैं, मतलब कि वो कुछ लाइफ को बढ़ा सकती हैं, बचा नहीं सकती। 5 साल में मरने वाले को 6-7 साल तक वो जिंदा रख सकती हैं। दे कैन ओनली प्रोलोंग द लाइफ ऑफ पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज इनएविटेबल। ये दवाइयाँ पेशेंट की उम्र को थोड़ा बढ़ा सकती हैं लेकिन मौत को नहीं रोक सकती, जो कि नामुमकिन है। अब बात करते हैं अगर इस बीमारी से बचना हो तो क्या करें। दोस्तों देखो, मेडिकल साइंस के अंदर बात आती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सिंपल सी बात है, इससे पहले आप बीमार होकर दवाइयाँ लो आप बीमार ही ना हो। तो चलिए देखते हैं प्रिवेंशन कैसे करेंगे एड्स की। एज एड्स हैज नो क्योर, क्योंकि सबको पता है एड्स का कोई इलाज नहीं है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे लिखा बेस्ट, मैं कहता हूँ ओनली बेस्ट तो है ही अपने आप में, आप बच गए बीमारी से, और दोस्तों उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं हो तो ओनली ऑप्शन आपका वही होता है। मोर ओवर HIV इन्फेक्शन मोर ऑफ्टन स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न एंड इज नॉट समथिंग दैट हैपन इनएडवेंटली लाइक निमोनिया और टाइफाइड। देखो दोस्तों, एड्स फैलता है बिल्कुल कॉन्शियस बिहेवियर से, इंसान को पता होता है कि वो क्या कर रहा है और उसके किए गए काम के क्या नतीजे हो सकते हैं। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो एकदम से हो जाए लाइक निमोनिया और टाइफाइड वगैरह, कहीं से वायरस वगैरह बीमार हो गया, ऐसा नहीं होता। मतलब इंसान को पता होता है वो क्या कर रहा है और क्या उसके इम्पैक्ट होंगे। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहा है उसको पता है कि मेरे को खून चढ़ रहा है तो बीमार हो सकता है। न्यूबॉर्न बेबीज को तो चलो नहीं पता होता, देखो क्या हुआ यहाँ पे, ब्लड चढ़वाने वाले को और नए बच्चे को तो पता नहीं होता क्योंकि होते पुअर मॉनिटरिंग, हम उसका ध्यान नहीं रख पाते, वो तो चलो हो गए गलती का शिकार। लेकिन द ओनली एक्सक्यूज, अब हम बात करते हैं, द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस एंड इट हैज बीन राइटली सेड डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। दोस्तों देखो, जो न्यूबॉर्न बेबी वगैरह है जिनकी पुअर मॉनिटरिंग होती है, या जो हम इंसान हैं जो भी इसको शिकार होते हैं, हम अपनी गलती की वजह से होती है, और हमेशा लिखा जाता है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, कभी अपनी नासमझी से, कभी अपनी गलती की वजह से अपनी जान मत दो। इन आवर कंट्री द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नैको जिसको बोलते हैं एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल NGOs आर डूइंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल। भाई काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे समूह हैं, ग्रुप्स हैं पीपल्स के, साइंटिस्ट के लगा लो, डॉक्टर्स के लगा लो, जो लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए कैंपेनिंग करते रहते हैं, फ्री कॉन्डम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फ्री अवेयरनेस के कैंप लगते हैं, नाटक का आयोजन किया जाता है भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे, ठीक है। हु आर स्टार्टेड ए नंबर ऑफ प्रोग्राम टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग HIV इन्फेक्शन, उन्होंने बहुत कुछ किया है ताकि ये ना फैले। देखो क्या किया है, मेकिंग ब्लड सेफ फ्रॉम HIV, ब्लड बैंक बनाए गए जिनकी पूरी की पूरी मॉनिटरिंग होती है। एनश्योरिंग द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल, और वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि सभी, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो ड्रग अब्यूजर हो, अगर उसको नशा ही करना है तो वो हर बार नया सिरिंज ले। फ्री बांटते हैं वो सिरिंज को भी और कॉन्डम्स वगैरह को भी। कंट्रोल करते हैं ड्रग अब्यूज को, एडवोकेट करते हैं सेफ सेक्स को, सेफ सेक्स के आपको तरीके बताए जाते हैं, एंड प्रमोट करते हैं कि भैया आप रेगुलर चेकअप कराते रहो, कोई बड़ी बात नहीं होती, सब कुछ प्राइवेट है।
HIV इनसेप्टेबल पॉपुलेशन आर सम स्टेप टेकन। अब कुछ लिए गए हैं, कुछ सस्पेक्ट्स हैं, कुछ देखा जा रहा है कि क्या होगा, कुछ असर भी है। इन्फेक्शन विद HIV और एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन, ऐसा कुछ छिपा हुआ नहीं है। सिंस देन द इन्फेक्शन मे बी स्प्रेड फ्रॉम मैनी पीपल, और बहुत फैला भी है। HIV एड्स इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प एंड सिंपथी, उनको मदद और दया चाहिए, ना कि तिरस्कार। आप उनको शून करोगे, डराओगे, धमकाओगे, भगाओगे तो गलत होगा। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट एज अ प्रॉब्लम टू बी डील्ड विद कलेक्टिव मैनर, तो सोसाइटी को चाहिए कि वो मिलकर इससे डील करें, ना कि उनको भगा दें। द चांस ऑफ वाइडर स्प्रेड ऑफ द डिजीज इंक्रीज मैनीफोल्ड, और अगर ये बीमारी फैली तो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगे। इट इज ए मालाडे, मालाडे भाई आपका पूरे का पूरा ये एक देश हित की समस्या है, दैट कांट बी टैकल्ड बाय सोसाइटी एंड मेडिकल फ्रंटरी एक्टिंग टूगेदर, इसको हम अकेले अकेले ठीक नहीं कर सकते, अगर लोग रहें तो सबको मिलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आपका एड्स के ऊपर, अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम कैंसर के ऊपर आपकी वीडियो। तो दोस्तों जब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।